भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को लेकर न्यूयॉर्क में बयान दिया। उन्होंने चीन को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अगर संबंधों को आगे बढ़ाना है तो उसे शांति स्थापित करनी होगी। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा, चीन के साथ हमारा कठिन इतिहास रहा है। चीन के साथ बॉर्डर से संबंधित कई समझौते हैं। 2020 में चीन ने LAC पर समझौते का उल्लंघन किया और हमने जवाब दिया। जब तक शांति और सद्भाव स्थापित नहीं होता, तब तक संबंधों को आगे बढ़ाना कठिन होगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को मुख्य मसला बताया। उन्होंने कहा, भारत और चीन संबंध एशिया के भविष्य की चाबी हैं। अगर दुनिया बहुध्रुवीय होगी तो एशिया को भी बहुध्रुवीय होना होगा। ये संबंध एशिया और विश्व के भविष्य को प्रभावित करेगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एशिया परिवर्तन के अग्रणी छोर पर है, भारत उस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, आपके पास दो ऐसे देश हैं जो आपस में पड़ोसी हैं। वे इस दृष्टि से अनोखे भी हैं कि वे 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों वैश्विक व्यवस्था में उभर रहे हैं और उनकी सीमा अक्सर साफ नहीं है, और साथ ही उनकी एक साझा सीमा भी है। इसलिए यह बहुत जटिल मुद्दा है। मुझे लगता है कि अगर आप आज वैश्विक राजनीति में देखें तो भारत और चीन का समानांतर विकास बहुत बहुत अनोखी समस्या है। विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की लगभग 75% समस्याओं को सुलझा लिया गया है। उनकी इस टिप्पणी का उल्लेख एशिया सोसाइटी की बातचीत के दौरान भी किया गया। उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूँ कि इसमें से 75% समस्याओं को सुलझा लिया गया है तो यह केवल सैनिकों के पीछे हटने के संबंध में है। इसलिए यह समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है, अभी मुख्य मुद्दा गश्त है। आप जानते हैं कि हम दोनों कैसे LAC पर गश्त करते हैं। उन्होंने कहा, यह बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम दोनों सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को ले आए थे, इसलिए हम इसे सैनिकों की वापसी कहते हैं। और फिर एक बड़ा अगला कदम वास्तव में यह है कि आप बाकी के रिश्तों से कैसे निपटते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों और सीमा विवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा, भारत और चीन के बीच पूरे 3500 किलोमीटर का सीमा विवाद है, इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सीमा शांतिपूर्ण हो ताकि रिश्ते में अन्य बातें आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।